हाट में है। दिल्ली हाट में ट्राइब्स का एक फेस्टिवल लगा है, लेकिन अंदर जाने से पहले हम बाहर ही देख रहे हैं कि कितना सामारा अच्छा सामान है यहाँ पे। ये वेंडर्स लेके बैठे हैं यहाँ पे, आपको हर चीज़ 100 रुपये 50 रुपये की मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर यहाँ पे घोड़े, हाथी, हैंडीक्राफ्ट, ये सब हाथ का बना हुआ आप देख सकते हो। और यहाँ पे ज्वेलरी भी है। नेकलेसेस एंड इयररिंग्स, आज की शुरुआत करीब 2 दशक पहले हुई थी। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स और ट्राइबल वेयर और इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए ये बनाया गया था। और ट्राइब्स ये आप देख सकते हैं कि ये कैसे, ये ट्राइबल वेयर जो इंडिया के बेसिक एथनिक हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो यहाँ पे लगे हैं। Directly on the e-commerce portals and enable seamless exchange. आपको ये for all artisans across India. सब आपको मिल जाएगा। Plus ये है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में बहुत पॉपुलर है। अभी यहाँ पे ये आदि महोत्सव है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर फेस्टिवल्स लगे रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट्समैन बैठे रहते हैं। तो आप अगर कभी भी आए यहाँ पे, आपको ऐसे ही दिखाई देगा। ये टिकट काउंटर है, तो यहाँ पे आपको ये फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी मिल जाएंगी। अगर आप इसके बाहर भी देखना चाहें तो यहाँ पे इसके बाहर ये एंट्री है, ये आपको चाय के पॉपअप स्टॉल्स और ये चना जो झालमुड़ी ये सब मिल जाएगा। और वहाँ पे हैंडक्राफ्ट किए हुए जो आर्टिसन अंदर नहीं जा पाते हैं उनके लिए बाहर यहाँ पे ये जगह ये लेके खड़े रहते हैं, आप इनसे भी सामान ले सकते हैं जो कि आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। बट अंदर यहाँ पे रेगुलर कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं और फेस्टिवल्स के ड्यूरिंग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सो अगर आप यहाँ पे आए तो आप पॉपअप्स ट्राई कर सकते हैं, आप अंदर जाके फूड कोर्ट में जाके देख सकते हैं, या आप बाहर से ज्वेलरी भी ले सकते हैं। छेड़ना नहीं इसको। हेयर ब्रेडिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप ये भी करवा सकते हैं। दिल्ली हाट में आप देख रहे हैं कि हाउ ब्यूटीफुली शी इज डूइंग द थ्रेड्स एंड देयर दीज आर, वन पर्सन इज चेकिंग आउट द थ्रेड्स, द अदर पर्सन इज ब्रेडिंग द हेयर। दिस इज वन ऑफ द हॉट स्पॉट्स और इसके बिल्कुल सामने INA मार्केट है। नेशनल एयरवेज मार्केट, यहाँ पे एक्सपैट्स नॉर्मली सारा फॉरेन स्टफ, फॉरेन स्पाइसेस और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश सबके लिए आते हैं। पर यहाँ पे बहुत अच्छी एक कश्मीरी हाट भी बन गया है। ये 1990s में जब कश्मीरी पंडित्स दिल्ली आए थे तब ये हाट का शुरुआत हुआ था और इस हाट को एक फॉर्मल शेप दे दी गई है। अब पहले ये लोग सब ऐसे ग्रेफ्यूजी शॉप्स थी, पर अब आज इसका एक फॉर्मल एरिया बन गया है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके आसपास बहुत रश रहता है। अगर आपको कोई भी ऑथेंटिक कश्मीरी स्टफ लेना है तो आप कश्मीरी हाट INA में आ सकते हैं। कश्मीरी हाट में सारे कश्मीर के रियल हैंडीक्राफ्ट्स आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आप घूमना चाहें तो आप सामने दिल्ली हाट जा सकते हैं जो कि अक्रॉस द रोड है, या आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए और फॉर वेरी गुड फ्रेश जूसेस, होम डेकोर, क्रॉकरी, उसके लिए आप जा सकते हैं INA मार्केट। आइए अब INA मार्केट चलते हैं। INA मार्केट में आपको बहुत अच्छा खाना भी मिल जाएगा।
स्पाइस मार्केट ऑफ आईएम होम के लिए। यहाँ पे क्रॉकरी शॉप्स है, यहाँ पे फ्रूट्स जूसेस और यहाँ पे कुलचे और चिकन चावल मिलता है 65 रुपीज़ का, राजमा चावल मिल जाता है एंड इट्स वेरी। और यहाँ पे आपको छोटे टेलर्स से बड़े टेलर्स से छोटे शॉप्स से बड़े शॉप्स इको फ्रेंडली गार्बेज बैग्स फ्रूट्स स्पाइसेस जो आपको दिल्ली में कहीं नहीं मिल रहे हैं वो सब आपको INA मार्केट में मिल जाएंगे। INA इज़ वेर पीपल कम फॉर ऑल द फ्रेश प्रोड्यूस फॉर ऑल द स्टफ दैट दे कॉन्ट फाइंड एनीवेयर एल्स एंड इट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ गिफ्ट आइटम्स। इट्स फॉर ऑल पॉकेट्स, यहाँ पे आपको हर पॉकेट के लिए सामान मिल जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ एक्सपेंसिव हो। सो फ्रॉम फॉर एवरी पॉकेट देर इज़ समथिंग हियर। आप यहाँ पे रेगुलर रोल्स खा सकते हो, रेस्टोरेंट्स जा सकते हो या आप ये रेगुलर गिफ्टिंग के लिए ले सकते हैं। ये देखिए और ये बैग्स और सामने ही दिल्ली हाट है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दिल्ली की अगेन एक फ्लैश मार्केट्स में से थी, ये मार्केट बहुत समय तक ऐसे ही थी। उसके बाद सडनली यहाँ पे डिज़ाइनर स्टोर्स आने शुरू हुए और बहुत अच्छे अच्छे शोरूम्स आ गए और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं एंड दिस प्लेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे आपको खाना पीना तो है ही और आपको हैंडक्राफ्टेड चीज़ें भी बहुत मिलेंगी। तो जैसे अभी हम कर्नाटक कैफे में हैं, यहाँ पे मुझे तो इसका जो पूरन पोली होता है मुझे वो बहुत पसंद है। और आगे जाएंगे तो हम यहाँ पे एक आर्टिसनिया नाम की एक हैंडक्राफ्टिंग शॉप है, उसमें बहुत अच्छे गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं। केक्स और निकोबार पे खाने और निकोबार पे क्लोथिंग एंड कटलरी बहुत अच्छी है। यू माइट वॉन्ट टू टेक अ लुक एट बैग्स बट ये थोड़े खाली हैं, बट एलमास पे केक्स एंड हाई टी तो लाइक इज वर्थ अ ट्राई। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और ये मिस्टर फॉक्स, ये मैंने ट्राई नहीं किया है बट ये कस्टमाइज टेलरिंग है। और ये आर्टिसनिया जो मैं आपको हैंडक्राफ्टेड गिफ्ट आइटम्स की बात बता रही थी, ये हैंडक्राफ्टेड गिफ्ट आइटम इसमें मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगे। मैं यहाँ से एक मेटल का लेके गई थी जो कि मैंने आगे गिफ्ट किया था और वो बहुत ही अप्रिशिएटेड था। तो ये सारे आर्टिस्ट्स को यहाँ से ये आप ट्राई कर सकते हैं। और जुनेजर्स यहाँ पे बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, रस्टिक है और आप इसमें सीधे चलते जाएंगे तो आपको CCD भी नज़र आएगा जो कि ऑब्वियसली हॉटस्पॉट है। और यहाँ से क्लोज इनफ इज़ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सो यहाँ पे वो भी बहुत है। इस मार्केट की खासियत ये है कि ये रेजिडेंशियल कॉलोनी में है और उसके पीछे ही साईं बाबा मंदिर इंडिया हैबिटेट सेंटर है। सो अगर आप वहाँ पे भी जाना चाहें कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। द कॉस्टलीस्ट एरिया इन दिल्ली एंड दिस हैज सम ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इज विजिटेड बाय ऑल द एक्सपैट्स। इट्स वेरी पॉपुलर बिकॉज दिस मार्केट वॉज बिल्ट बाई फ्रीडम फाइटर अब्दुल खान and more recently because of the Prime Minister's comments on the Khan Market Camp that have made this a plush spot. So here you'll find everything which is a little on the higher pricing side but there are all famous stalls here and there's also a little bit of a street market or side stall where you get some good chappals and dresses. Otherwise, I like coming here for some fragrant candles and some quality home decor. It's a good place for shopping and for eating out. And here we can see, it has three lanes. So you can see Fab India, you can see Sidewalk, and here you can see all your street listing, shoes and all. And this is the central part
where you have all the you can see all the restaurants here. And if you go this side, you will see some of the famous ones. There is even a Ritu Kumar label here. And let's go to the main side. So the famous bookshop Bahari Sons is also here, and you're getting all these profitable books and all the big books, which look so fancy, a lot of stuff. And you'll get this also here for your home. Nice stuff that you can keep in your house. Artisano by Celeste, fine moon China. It's 24 karat. Then you can go and walk around, go to Kama Ayurveda, Nikon, there are opticals, and perhaps if you are lucky you might rub shoulders with the high and mighty of Delhi. So that's Khan Market for you. सरोजनी नगर मार्केट के रॉय मार्ट में हूँ, और ये यहाँ पर आपको बहुत, अगर आप अपने घर के लिए कोई पॉटरी, सिरामिक या अर्दन वेयर ढूँढ रहे हैं तो ये एक वन ऑफ दी बेस्ट चॉइस हो सकती है दिल्ली में। आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत टाइप के पॉट्स हैं, बहुत कलरफुल पॉट्स हैं, जो कि आपके घर के लिए बहुत सूटेबल हो सकते हैं। अगर आप उनको अभी ढूँढ रहे हैं तो आप इस मार्केट को एक बार ही ट्राई कर सकते हैं। फेस्टिवल के टाइम ये अपनी कलेक्शन और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप जैसे देखेंगे कि ये घड़े हैं, अर्दन वेयर है, यहाँ पर हर टाइप की पॉटरी मिलने के पूरे चांसेस हैं। आप देखिए इनके डिज़ाइन, इनके कलर्स काफ़ी यूनिक होते हैं। फेस्टिवल के टाइम पे इनकी कलेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक सूटेबल चॉइस है आप सबके लिए। थोड़ा सा बड़ा और कर दीजिएगा। हाँ तो अगर आप पॉट्स खरीदते हैं और उसमें आप चेंज करवाना चाहते हैं या कुछ उसमें बदलवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। और ये एक बोनस है यहाँ पे, स्वीट लिटिल थिंग, ये आपको वोडाफोन के ऐड में दिखा होगा। और ये आप डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंटेंस भी, और ये डक्स, कितने सुंदर डिजाइन्स हैं। और यहाँ पे आपको 100 रुपये ऑनवर्ड्स भी अच्छी चीज घर में प्लांट लगाने के लिए, ये हैंगिंग लगाने के लिए, हैंगर, ये सब मिलते हैं। कि आप अगर भगवान की मूर्तियाँ ढूंढते हैं तो वो भी है यहाँ पे। तो सरोजनी नगर मार्केट के पास ये एक है रॉय मार्ट, ये बहुत गुड चॉइस है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉटरी एंड टुडे वी आर चॉइसिंग प्लेस। The Shamsing Place is one of the oldest markets again in Delhi, very popular with the college kids. And the Chanakya Mall here has become one of the plushest malls. But ये एक time पर बिल्कुल college और school kids के लिए होता था। मुझे याद है जब हम school में थे तो हम यहाँ गांधी movie देखने आए थे, तब यहाँ पर एक Nirulas होता था, जो कि Nirulas अब Delhi में नहीं रहा है। लेकिन ये जो पुराने momos और Chinese food stalls हैं ये अभी तक है। अगर आप मॉल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल हाई एंड ब्रांड्स मिलेंगे, हाई एंड मीन्स द वर्ल्ड्स बेस्ट लाइक लाफ लॉर एंड शनेल एंड ऑल। लेकिन यहाँ पे बैठ के आप बैम्बू चॉपस्टिक्स, कॉफ़ी, एस्प्रेसो कॉफ़ी, बावर्ची और सिजलर्स, यहाँ पे चाइनीज़ इज़ वेरी गुड। सो आप यहाँ पे बैठ के चाइनीज़ खा सकते हो, आराम से शाम को बैठ सकते हो। ये कॉलेज किड्स और द पीपल हु रियली वॉन्ट टू बी इन द
ओपन एंड नॉट पे अ ह्यूज अमाउंट। अब ये आप ये जो बैठने की जगह देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छी हो चुकी है। एक टाइम पे ये अच्छी नहीं थी बट लेकिन अभी बहुत गवर्नमेंट ने बहुत दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको बहुत डेवलप कर दिया है एंड इट्स रियली नाइस। और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज पार्किंग भी है। इसको अब आप देखेंगे बोर्ड यहाँ पे आपको ये वाटर एटीएम भी मिल जाएगा, सो दैट इज़ ऑल्सो सॉर्टेड आउट। और यशवंत प्लेस में ये इसको अब फूड कोर्ट का नाम दे दिया गया है। यहाँ पे आप अगर चाहोगे तो लेदर जैकेट्स भी खरीद सकते हो, नहीं तो बटर चिकन, मोमोज, सिज़र्स, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। और हम यहाँ पे जब भी आते हैं हम यहाँ पे एस्प्रेसो कॉफ़ी ज़रूर पीते हैं। 25 रुपीज़ की मिलती है लेकिन बहुत टेस्टी होती है। और मोमोज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में एवरी मोस्ट ऑफ द शॉप्स योर हैबिट मोमोज एंड चाइनीज। देन यू कैन ट्राई मे बी सम कबाब्स एंड रोल्स। एंड यहाँ पे आपको एक ये लेदर गारमेंट्स की शॉप भी है, सो अगर आप ये इसको भी ट्राई करना चाहोगे तो आप ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाणक्य मॉल जाके PVR में मूवी भी देख सकते हो। और हाय, फिर कैलाश पार्ट 2 एंड आई एम अंबिका। दिस इज़ वन ऑफ द फ्लैशेस मार्केट्स इन दिल्ली एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल द ब्रांड्स। सो दिस मार्केट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स रेस्टोरेंट्स एंड सम ऑफ द बेस्ट लाइक आर्टूसी कियारा विच इज़ एन ऑल वेज आर्टूसी ऑल इटालियन स्पेशलिटी। एंड यू कैन वॉक अराउंड, यू गेट स्टारबक्स, यू गेट हाई एंड सैलॉन्स लाइक सोनी एंड गाय, द फेमस फैब इंडिया एंड द गीतांजलि सैलून। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मार्केट्स इन दिल्ली फॉर ऑल द हाई एंड स्टफ। इवन द फेमस डीवा बाय रितु डालमिया इज हियर एंड ऑल दीज रेस्टोरेंट्स आर फॉर इट्स बेस्ट टू कम विद अ रिजर्वेशन, अदरवाइज यू गोइंग टू हैव अ टफ टाइम हियर। एंड गेटिंग पार्किंग इन दिल्ली इज़ अ ह्यूज इशू, सो बेस्ट टू कम एंड टाइम लुक फॉर अ प्लेस। Then we are with Swazi is a very good spa and I have tried this earlier. They have some good massages, it's very safe. Then you can go to Chungwa, which again is very popular for all the Chinese food. And you can go to Lux Salon, which I like sometimes for my blow dry. Gitanjali is another high-end salon here. And if you keep moving around, you'll see a lot of places where for buying your tires, etc. So it's good if you're doing up your home and you can do it. Okay. The famous L'Opera is also here. L'Opera is a French patisserie and you get some really good croissants and macarons here. I really like it. Or you can just enjoy yourself in the park and keep sitting here. It's quite nice and green and it's a very fun place in the evenings. It comes alive with all the restaurants and the high-end life. It's a family place, a kids place, a college place, a friends place, GK2 for you, the M Block Market and GK2. Lajpat Nagar. We are trying to find a place
in. Oh my god, this market is so crowded. अरे बड़े डरा दिए. Very popular place to sit out, be creative, do good.